نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے بھائیو دوستو اور بزرگو दुनिया के तमाम इंसान एक मेहनत के रुख पर हैं। तमाम ताजिर, तमाम काश्तकार, तमाम मुलाजिम, गरीब अमीर, आवाम खवास, लिखे पढ़े बेलिखे पढ़े, तमाम के तमाम मेहनत के एक रुख पर हैं। और वो मेहनत का एक रूप वो है कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम के रूप से और अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत से और अंबिया अलैहिस्सलाम के मैदान से मुख्तलिफ है कि मेहनत का एक रूप है और आलमगीर रूप है कि अपने हाल को हाल से बदलो, अपने हाल को हाल से बदलो। आम रुख है पूरा आलम का, ताजिर है तो तिजारत में, काश्तकार है तो तिजरात में, मुलाजिम है तो अपनी मुलाजिमत में, सरमाएदार है तो सरमाएदारी में, जो जिस नक्शे में है हर एक की मेहनत का ये रुख है कि अपने हाल को हाल से बदलो। ताजिर पर हाल आए तो तिजारत की मेहनत बढ़ा दो, आम आवाज है पूरी दुनिया की। काश्तकार पर हाल आए तो काश्तकारी की मेहनत बढ़ा दो। मुलाजिम पर हाल आए तो मुलाजिमत दूसरी तलाश कर लो, इससे अच्छी तलाश कर लो। हुकूमत पर हुकूमत की तरफ से हाल आए तो हुकूमत को बदल दो। जिस लाइन से हाल आए उस लाइन की मेहनत बढ़ा दो। ये फिरौनियत पूरे आलम के अंदर है, ये फिरौनियत है पूरे आलम के अंदर है कि जिस तरफ से मसाइल पेश आ रहे हैं, मसाइल पैदा हो रहे हैं, उसकी मेहनत को बढ़ाओ ताकि मसाइल हल हो जाए। ये मेहनत है हाल को हाल से बदलने की। वादल्ला फिरौन फिरौन की गुमराही का खुलासा यही है कि हाल को हाल से बदलो। अगर मेरी हुकूमत में कोई बच्चा
ऐसा आने वाला है कि जो मेरी हुकूमत के लिए मुजिर है। तो हाल से हाल को बदलने ही का ये बदलने वाले ही ये मशवरा देते हैं कि जो बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दो। फिर यही नहीं बल्कि हुकूमत से लेके तिजारत और ज़राअत और मुलाजमत जहां जहां जिसमें जो रुकावट आई उस रुकावट को दूर करने के लिए वही उल्टा कदम उठाया जाएगा जो फिरौन ने उठाया कि बनी इसराइल की औलाद को कत्ल करो, जहां जो बच्चा पैदा हो लड़का उसको कत्ल कर दो। तो एक ही मेहनत करो है पूरा आलम कि हाल से हाल को बदलो और उम्मत का 90% बल्कि 95% उम्मत का हिस्सा इस पर लगा हुआ है। फिर एक दूसरा रुख है बकौमा रहमतुल्लाह के कि जो दूसरा रुख है वो कहने सुनने में आ रहा है, अमल में नहीं आ रहा है। कहने सुनने में नमाज आ रही है, कहने सुनने में कलमा आ रहा है, कहने सुनने में हज ज़कात आ रहे हैं, कहने सुनने में आमाल सालेह आ रहे हैं, लेकिन करने में वही रुख है कि हाल को हाल से बदलो। अंबिया अलैहिस्सलाम जो मेहनत लेकर आए हैं, अंबिया की जो मेहनत है उस मेहनत का खुलासा और उस मेहनत का रुख वो हाल से हाल को बदलने का नहीं है बल्कि वो आमाल से हालात को बदलने का है कि आमाल से हाल बदलो। जिस किस्म का हाल आ जाए हुकूमत में हाल आए तो आमाल से, तिजारत में हाल आए तो आमाल से बदलो, ज़राअत में काश्तकारी में हाल आए तो आमाल से बदलो, मुलाजमत में हाल आए तो आमाल से बदलो, आवाम में आए खवास में आए बीमारी की शक्ल में आए खौफ की शक्ल में आए जलजलों की शक्ल में आए आंधी तूफानों की शक्ल में आए सैलाब की और मुख्तलिफ किस्म की बर्बादियों की शक्ल में आए, जिस शक्ल में जहां हालात आ रहे हैं उन हालात को आमाल से बदलो। यह अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत करो। इसी पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा गया है कि बिगड़े हुए हालात में कौम सबा के बागात वाले हैं, बिगड़े हुए हालात में कौम शुएब के तिजारत वाले हैं, हालात बिगड़े हुए हैं कौम समूद के सनअतकार हैं, हालात बिगड़े हुए हैं कौम नूह के अक्सरियत वाले हैं। हर एक की तरफ हर नबी को भेजा, हर एक की तरफ को भेजा और हालात इनको हालात के सही होने और खुदा ताला के निजाम को मुआफिक होने वाली मेहनत करो बदलाओ। इसलिए हर नबी की पहली आवाज इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, हर नबी का पहला ऐलान पहला तारुफ अपनी जात का इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, मैं खैरख्वाह भी हूं तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों से निकालने के लिए, मैं अमीन भी हूं तुम्हें सही रास्ते पर डालने के लिए, तुम्हारे साथ खयानत नहीं करूंगा और तुम्हें हालात से निकालने में नासिह हूं। हर जगह से हर लफ्ज से अपना तारुफ कराया है इन्नी लकुम नासिहुन अमीन नसहत लकुम वलाकिन्ला तुहिब्बून नासिहीन अनसह लकुम आलम अल्लाह मा ला तअलमून। हर तरह से आगे से पीछे से दाएं से बाएं से जहरन सिर्रन अलानियतन और पोशीदा हर तरह से आवाज लगाई है रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत देने में कोई रास्ता नहीं छोड़ा दावत देने का। इन्नी दावत कौम ले रहा हूं नहारा फलम यजीद दुआ इल्ला फिरारा, मैं हर तरह दावत देता रहा जितनी जितनी दावत देता रहा हालात को बनाने वाले रास्तों की तरफ, जितनी जितनी दावत देता रहा हमेशा की कामयाबियों की तरफ, मेरी दावत उनके फरार में, मेरी दावत उनके तनफुर में, मेरी दावत
उनके उल्टा भागने में ज्यादती ही करते रहे, जितना मैं उनको बुलाता रहा भागते रहे। वही कुल्लमा दावत हम रिजफिर जाल हुआ साबे की आजानी, जब जब उनको दावत दी मैंने ताकि आप उनको माफ कर दें, उनके मेहनत के रुख के बदलने के बाद जाल हुआ साबे की आजानी कानों में उंगलियां दे ली, हम नहीं सुनने वाले। वह सब शव सिया बहू वह असर वस्तर सिखबारा, कानों में उंगलियां देना सिर्फ इसको ही नहीं कहते कि हमें आवाज नहीं आई, इसके पास आवाज पहुंच गई है उसका उस आवाज को कबूल न करना, ये भी कानों में उंगली देने का बराबर, कानों में उंगली देने का बराबर। नाफरमानी, सही रास्ते को उनकी तहकीक न करना और सही रास्ते पर न आना, ये कानों में उंगली देने के बराबर है। चुनाचे हर लाइन से मेहनत की अपने कौम पर कि कामयाबी का रास्ता बता रहा हूं, कामयाबी पर आ जाओ। इस तरह ये हर कौम का रुख सही करने के लिए, उम्मत अक्सरियत वाली हो या उम्मत बागात वाली हो या उम्मत सनातगार हो या उम्मत किसी भी पेशे की हो, कोई भी काम करने वाली हो, हर एक का रुख बदलने के लिए हर नदी का पहले रुख बदला गया है, पहले इनका रुख सही करेंगे फिर ही जाकर कौम का रुख सही करेंगे। हर एक का रुख पहले सही किया गया है। وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري। حضرت موسی علیہ السلام کو رخصت کیا گیا ہے, حضرت موسی علیہ السلام کو رخصت کیا گیا ہے, انني انا الله, میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میری ہی عبادت کرنی ہے और नमाज को मेरी याद के लिए, नमाज को मेरे जिक्र के लिए कायम करना है। हर नबी का रुख पहले से ही किया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर एक की बेहतर, हर जमाने के एतबार से, हर जमाने के एतबार से हर एक की बेहतर इस कौम के एतबार से, लेकिन पहले नबियों का रुख सही कराया गया कि तुम्हें रुख सही करो। इस रुख के सही करने में सबसे पहली बात जो कराई गई है कि यह तय करो कि गैर खुदा से नहीं होता, जब तक तुम्हारा रुख हमारी तरफ पूरा नहीं होगा उस वक्त तक तुम जाके किसी का रुख कैसे सही कर सको, इसका अपना रुख सही नहीं होगा किसी का रुख क्या सही करेगा। चुनाचे रुख सही कराया और किस तरह रुख सही कराया, अल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम करो इस तरह सही कराया कि बात चली घर से, रम्मा जन्ना अलैहि लेलु रहा कौ कबन قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين। روح يو صحيح ہوتا ہے, बड़ी मखलूक हो या छोटी, हरकत करने वाली हो या जामिद, कोई मखलूक हो, अपने काम आने वाली हो या दूसरों के, ज्यादा से ज्यादा काम आने वाली हो या कम से कम, बड़े से बड़े नक्शे वाली हो या छोटे से छोटे नक्शे वाली,
सबका इनकार करो, सबका सबसे रुख फेरो। बात ध्यान शुरू हुई बच्चे से, बचपन से, कि मैं अपनी जरूरतों को पहले देखूं, मेरी जरूरतें कौन पूरी कर रहा है, मैं अपने से इब्तिदा करूंगा, अपने से इब्तिदा करूंगा कि मेरे जिस्म पर कपड़े, मेरे पेट में खाना, मेरी सारी जरूरतें, ये कहां से पूरी हो रही है। पहले अपना रुख सही करने के लिए, अभी अंतर्जी को मफरा दूसरी रोक, पहले अपना रुख सही करने के लिए अपने आप में गौर करो, अपने आप में गौर कर लेना काफी है। यह फायदा है कि मसनूओं से सामने को पहचाना जाता है, बने हुए से बनाने वाले को पहचाना जाता है, बने हुए से बनाने वाले को पहचाना जाता है, फायदा है। अगर बनी हुई तलवार है, अगर बनी हुई तलवार है तो एक लोहार का तस्वीर किया जा सकता है, जहां इसका बनाने वाला कोई लोहार है। लेकिन अगर किसी लोहार को नहीं जानता है या लोहार को जानता भी है, लोहार को देख के तलवार का तस्वीर कभी नहीं आता, नमाज़ में लोहार क्या बनाता होगा। लोहार को देखकर तलवार, यह तलवार का तस्वीर कभी नहीं हो सकता, लेकिन तलवार को देखकर लोहार का तस्वीर फौरन किया जा सकता है कि इसका बनाने वाला लोहार है। बिल्कुल मसनू से दानों को पहचाना जाता है। खुदा की जात को पहचानने के लिए अपनी जात से निकलकर जमीन आसमान के फैले हुए तमाम नक्शों तक हर मौका हर कदम खुदा की जात को पहचानने के लिए है। वह तफक्कुर न फिर फक्कुर समावाद बजाओ, ये तफक्कुर खुदा की जात तक पहुंचने के लिए है। तफक्कुर वाले मूल्य अखबार साहब फरमाते हैं कि यही दो चीजें खुदा तक पहुंचने के लिए काफी है। तो अपनी जात से इब्तिदा हुई है, कपड़े कौन पहना रहा है, खाना कौन खिला रहा है। अब बात शुरू हुई मां से, बात शुरू हुई मां से कि मां मुझे कौन पाल रहा है, ये नहीं कि तुझे कौन पाल रहा है, मुझे कौन पाल रहा है, कि बेटे तुझे मैं पालती हूं, तेरे कपड़े बदलने, तुझे नहलाना दिलाना, तेरे खाने पीने का इंतजाम करना, सारे काम मैं करती हूं। अच्छा मां, अगर तू मुझे पाल रही है, इसे तस्लीम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि दुकान पाल रही है, कारखाना पाल रहा है, मुलाजमत पाल रही है, हुकूमत पाल रही है, जिन्होंने बड़े बड़े जराए खोल रखे हैं, बना रखे हैं, वो पाल रहे हैं, रोजगार बढ़ाने की फिक्र है। थोड़ी देर के लिए अगर तस्लीम कर लो कि आप पाल रही हैं, तो अम्मा जान आपको कौन पाल रहा है, कि मुझे तेरा बाप पाल रहा है। अब तय कर लिया कि मेरे भी दो हाथ, मां के भी दो हाथ, मैं दो हाथ का होते हुए, दो हाथ वाला होते हुए मां के ताबे, फिर मां के भी दो हाथ, चार हाथ नहीं है, छह हाथ नहीं है, इस मां के भी दो हाथ हैं, बाप इसे पाल रहा है, कौन सी बात है, यह बड़ी बात हो गई। मेरे भी दो हाथ हैं, मां के भी दो हाथ हैं, मां मुझे पाल रही है, बाप मां को पाल रहा है, तो बाप को कौन पाल रहा है, कि बाप को कौन पाल रहा है, बेटे बेटे बाप को नमरूद पाल रहा है। हर जमाने का नमरूद अलग होता है, याद रखो, हर जमाने का नमरूद अलग, हर जमाने का फिरौन अलग है। जिस जमाने का ईमान बिगड़ेगा उस जमाने का फिरौन होगा, जिस जमाने गलत कदम उठाया जाएगा उस जमाने का फिरौन अलग होगा, जिस जमाने में गैर खुदा से होना तय करेगा जो फर्द, उसके जमाने का नमरूद होगा। नमरूद हरेक के दिल में है, नमरूद हरेक की जात में है, नमरूद हरेक के अकायद में है। यानी एक नमरूद अपने जमाने का नमरूद है। जिस वक्त अकायद का बिगाड़ है, जिस वक्त खुदा के गैर से होने का यकीन है, जिस वक्त मसाइल के हल करने में गलत इकदाम है,
हर वक्त फिरौनियत है, हर वक्त नमरूदियत है। कहा कि बेटे वो तो रब्बुल अरबाब है, नमरूद सबको पालता है, कि मैं ये बताऊं नमरूद को कौन पालता है, कि नमरूद को कौन पालेगा, वो तो रब्बुल अरबाब है, वो तो पालने वालों को पाल रहा है, पालने वालों का पालनहार है, उसे कौन पालेगा। ये छोटी छोटी मखलूकात, फिर बड़ी बड़ी मखलूकात, बड़े बड़े नक्शे, उनका ये भी तोड़ो, ये भी तोड़ो, ये भी तोड़ो, सितारे से भी नहीं होता, सूर्य चांद से भी नहीं होता, सूरज से भी नहीं होता। यहां से रुख बदलना शुरू हुआ और रुख बदलते बदलते बात बढ़ी, अपने घर से बात चली, हुकूमत तक पहुंची, और ऐसी जिहालत, ऐसी जिहालत कि अपनी हुकूमत दिखाने के लिए, अपनी खुदाई दिखाने के लिए एक को बुलाया, जिसका फैसला हो गया था कत्ल का, जिसका कत्ल का फैसला कर दिया वो मर गया, जिसका फैसला वापस ले लिया वो जिंदा हो गया। यह हिमाकत थी कि जिसके बारे में फैसला हो गया कि कत्ल कर दो वो कत्ल हो गया, जिसके बारे में फैसला कर दिया कि इसको छोड़ दो वो छूट गया, हयात उसको हयात हो गई। बुलाया, बुला के पूछा क्या कर रहे हो, कि ये कर रहे हैं कि पालने वाली जात अल्लाह की है, मारना जिलाना उसका काम है, कि सिर्फ इतनी ही बात है कि मारने जिलाने का मसला है, तो ये मैं भी कर सकता हूं, जाओ बुलाने को। उसको लाया गया, उसको कत्ल कराना था, गोया उनकी निगाह में मरा हुआ है, कि देखो ये हमने, ये मरा हुआ आदमी है, इसको हमने जिंदा कर दिया, ये जिंदा है, इसको 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 हम मार के बता देंगे कि हमने मारा, मौत है तुम्हारे हाथ में। ऐसा बेवकूफ बनाया पूरे पूरे मुल्क, पूरे मुल्क में और पूरी पूरी मुमलकत में, पूरी बादशाहत में, इन्नल्लाह यहदी बिश्शम्स मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मग़रिब फबुहित अल्लज़ी कफर, कि खुदा सूरज को ला रहा है, ले जा रहा है। मुझे उस दिन ख्याल आ गया था, उस दिन यकीन ठीक हो गया था, जिस दिन सूरज न अपनी जात से आ रहा था न जा रहा था, चांद न अपनी जात से आ रहा था न जा रहा था, जो अपनी जात से आए और जाए, जो अपनी अपनी जात से जाहिर हो जाए और छुप जाए, वो रब नहीं हो सकता। हुक्म अनुसार हम चला लेंगे, बने हुए से बनाने वाले की तरफ रुख कर लिया है, बने हुए से बनाने वाले की तरफ रुख कर लिया है, क्योंकि छोटी मखलूकात से लेकर बड़ी मखलूकात तक तय कर लिया है कि खुदा की जात के अलावा से नहीं होता, ये जो कुछ खुदा का गैर है, जब ये तय कर लिया, जब ये तय हो गया, तो अब भेजा है नमरूद की तरफ। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बुनियादी चीज है रुख का बदलना, बुनियादी चीज, तमाम आमाल की कमजोरी, तमाम फसाद बिगाड़, तमाम बातिल कुव्वतें, तमाम का तमाम सिर्फ इसी बुनियाद पर है कि ईमान नहीं है, सिर्फ इसी बुनियाद यह है कि ईमान नहीं है। ईमान कौन सा ईमान, या अय्युहल लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों तुम भी ईमान लाओ, ईमान वालों ईमान लाओ, तुम्हारी सतह का ईमान नहीं, जुबान की सतह का ईमान नहीं, कानों की सतह का ईमान नहीं, लिखा हुआ ईमान नहीं, कल्ब का ईमान चाहिए। और बखमारे के कि कल्ब का ईमान बनता नहीं उस वक्त तक जबकि कल्ब की सारी सारी रेखें, ये अल्फाज है मार अंतलाले के, कि ईमान कल्ब में आता नहीं जब तक कल्ब की सारी रेखें गैर ईमान से खाली ना हो जाए, जब तक गैर ईमान से, गैर खुदा से कल्ब की तमाम रेखें खाली ना हो जाए, ये कल्ब उल्टा ना हो जाए, बिल्कुल फारिग ना हो जाए गैर ईमान से, ईमान का बोल, ईमान का लफ्ज,
ये तो कहीं जगह पकड़ सकता है कान में या दिमाग में या जुबान पर। कल्ब का ईमान जब बनता है, जब कल्ब इसके मातवा से खाली हो जाता है, ये कल्ब का ईमान जब बनता है, इससे पहले कब्र का ईमान नहीं बनता। जैसे गोली है पिस्तौल की, पिस्तौल की गोली है, अगर हाथ में है तो हाथ की गोली है, पिस्तौल की गोली नहीं। इसको अगर किसी को इससे अगर किसी को मारा जाए, जो है मारना चाहे तो नहीं मार सकता। इस गोली को अगर मुंह में रख के फेंके तो बिल्कुल ही नहीं मार सकता। इस गोली को जेब में रख के फिरे तब भी नहीं मार सकता। इस गोली को मकान में रख दे तब भी नहीं मार सकता। इस गोली के सिर्फ तस्करे करते रहे तब भी नहीं मार सकता। इस गोली की कुव्वत, पूरी कुव्वत जब सामने आएगी, जब इसको उठाकर पिस्तौल में, राइफल में वहां रख दे जहां 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 गोली रखने की जगह है, इसको फिर किसी कुव्वत की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा भी घोड़ा दबा देगा तो इस गोली के जरिए से जान जान निकल सकती है, दुश्मन को मारा जा सकता है। खुदा की कसम, इसी तरह जब तक ईमान दिल में इस तरह नहीं बैठेगा, इस तरह गोली राइफल की अपनी जगह पर बैठे बगैर काम नहीं करती, उस वक्त तक वो काम, वो बरकतें, वो रहमतें, वो खुदा की तरफ से मुआफिक फैसले, वो जलजलों का रोकना, वो सैलाबों का रोकना, वो बीमारियों से सेहत, वो मुकदमात से नजात, वो खौफ से नजात, उम्मत को मिल नहीं सकती। उम्मत को मसले का हल बतलाया था, तुम ये कर लो, तुम ही तुम होगे। या अय्युहल मुद्दसिर कुम फानजिर व रब्बका फकब्बिर, तुम जिसके भेजे हुए हो उसकी बड़ाई को बयान कर लो, जिसके भेजे हुए हो उसकी बड़ाई को बयान कर लो। मौलाना इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अजीब मिसाल दिया करते थे, साफ साफ फरमाया करते थे कि जितने वर्कर खड़े किए जाते हैं, वर्कर बनाकर खड़े किए जाते हैं, इलेक्शन में वर्कर बनाकर खड़े किए जाते हैं, हमारे वर्कर हो, तुम्हारे वर्कर हो, तुम्हारे वर्कर हो, तुम्हारे जिम्मे दो काम है, तुम्हारे जिम्मे दो काम है, भाई इनको मिठाइयों, भाई कहां जा रहा है, भाई इनको मिठाइयों की रक्षा मत करते इकराम से, तुम्हारे जिम्मे दो काम है, हमारी बड़ाई बयान करो, हमारे तरफ से वादे करो, ये दो काम तुम्हारे जिम्मे है, हमारी बड़ाई बयान करो और हमारी तरफ से वादे करो, ये दो काम हर वर्कर के जिम्मे होते हैं जो पार्टी में से खड़े किए जाते हैं। इनका काम यह है कि चौराहों पर, मोड़ों पर, सड़कों पर, मैदानों में, बाजारों में, घरों पर जा जाकर फना साहब बहुत बड़े, फना साहब बहुत बड़े, फना साहब बहुत बड़े, फना साहब की बड़ाई तस्लीम कर लो, तुम्हारा ये मसला हल, तुम्हारा ये मसला हल, तुम्हारा ये मसला हल, तुम्हारे किराए सस्ते, तुम्हारा सामान सस्ता, तुम्हारे लिए ये सहूलत, तुम्हारे लिए ये सहूलत, तुम्हारे लिए ये सहूलत, तमाम वादे करते चले जाते हैं। इनके वादों पर इनकी बड़ाई तस्लीम कर ली जाती है, लेकिन ये शर्त है कि जिसकी तरफ से भेजा गया है उसका नाम लेकर उसकी बड़ाई बयान करे, उसका नाम लेकर उसकी बड़ाई बयान करे, शर्त है। भेज जिसका इलाका है उसके इलाके में उसकी आवाज और उसका नाम लेकर बोले, इलाका किसी और का हो, नाम किसी और का ले लिया तो काम नहीं चलेगा, इस्तकबाल नहीं होगा, पिटाई होगी। इलाकों में जाते हैं, जाके मेहनत करते हैं, आवाजें लगाते हैं कि हम बना के भेजे हुए हैं, अपना
साहब बहुत बड़े हैं और ये वादे करते हैं। ये जाकर वहां आवाजें लगाते हैं, उनकी बड़ाई तस्लीम कराते हैं और इनका सारा खर्चा पार्टी उठाती है। मैं कैसे जाऊंगा, हम सवारी देंगे, मैं कहां से खाऊंगा, हम खिलाएंगे, कितने दिन में फिरूंगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, हम पालेंगे। पूरा यकीन होता है यह वर्करों को कि उसके पार्टी हमारा पूरा खर्च होता है, बिल्कुल फारे होते हैं अपने घर से, कोई काम नहीं इनका सिवाय दो कामों के, इनकी बड़ाई बयान करो, इनकी तरफ से वादे बयान करो। यूं कहें कि ये जाकर उस इलाके में इनकी बड़ाई बयान करते हैं, वो इनका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन अगर किसी इलाके में जाकर, हमें से हर एक जानता है, किसी इलाके में जाकर उस इलाके के खिलाफ बोल पड़े, वहां किसी के नाम के बजाय उसके नाम के बजाय किसी और का नाम ले दिया, इलाके के खिलाफ बोल पड़े, खुदा की कसम मार के निकाले जाते हैं, मार कर। बिल्कुल यही तरतीब मिसाल के तौर पर आज की है, यही तरतीब अंबिया अलैहिस्सलाम की है। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, जमीन सारी अल्लाह की है, इलाका सारा अल्लाह का है, कहीं किसी को गैर खुदा की बोलने